ओके जी, सो न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज की वीडियो में हम आपके बोर्ड में जो समरी राइटिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, इसको सीखने वाले हैं कि कैसे अपने को समरी राइटिंग को इजीएस्ट वे में टैकल करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है, काम को आसान करते हुए चलना है, इंग्लिश को जितना सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे, जितना ईजी रखेंगे उतना ही अपना मस्त मार्क्स आता है, जितना कॉम्प्लिकेट करोगे ना, कॉम्प्लिकेट करोगे गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी प्रेजेंटेशन खराब होगा और फिर मार्क्स चले जाएंगे, है ना। तो सबसे पहली बात है, समरी राइटिंग जो है आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा जी? 3 मार्क्स के लिए आएगा। ये कहां आपको देखने को मिलेगा? अनसीन पैसेज में आपको समरी राइटिंग छुपा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या मैंने आपके सामने लाई हूं, पिछले साल आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक पे समरी राइटिंग आई थी। समरी राइटिंग मतलब इन द सेंस अनसीन पैसेज है ना। सिंपल सी बात है कि नहीं, बातें बताओ। अपने एग्जाम में जो अनसीन पैसेज आएगा है ना, उसी का ही तो अपने को समरी बनाना है। तो अगर हम पिछले 10 सालों के पेपर देख ले कि भाई देखो हमारे एग्जाम में ना ऐसे ऐसे थीम के ऊपर अनसीन पैसेज आ चुके हैं, तो फिर काम मतलब लेवल क्या है अपने अनसीन पैसेज का, हार्ड है, ये है, वो है। तो मैंने पूरा नोटिस करने के बाद ये कंक्लूजन निकाली हूँ कि आपका एग्जाम में ना कभी कभी बहुत टफ अनसीन पैसेज आ जाता है, तो कभी बहुत सिंपल आ जाता है, तो कभी बहुत ईजी आ जाता है, ठीक है। मतलब मैंने ऐसा नोटिस कर रही हूँ, कुछ 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 अनसीन पैसेज, कुछ कुछ मतलब 1-2 साल ही बहुत टफ आए थे, बाकी ज्यादातर तो मीडियम लेवल के ही आते। तो क्या करना है अपने को, मेन क्या है समरी राइटिंग में होती है, आपको दो कौन कौन सी चीज ध्यान रखनी, पहले मैं वो बताती हूँ, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज, आप जब भी समरी राइटिंग को अटेम्प्ट करोगे किसी भी हालत में, आप उसका पहले टाइटल दोगे, ठीक है। आपने अनसीन पैसेज रीड कर चुके होगे, बहुत सारी एक्टिविटीज सॉल्व कर चुके होगे, तो आपको आइडिया आ चुका होगा कि मेरा जो अनसीन पैसेज है वो किस बारे में है। तो उसका टाइटल दोगे, कैसे दोगे? कैपिटल लेटर में लिखना एंड बोल्ड लेटर में, वो लगना चाहिए कि भाई वो टाइटल है, टाइटल को टाइटल की तरह रखना चाहिए। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कोई भी मूवी का जब पोस्टर लगता है तो मूवी का टाइटल कितना अच्छे से वो लोग बनाते हैं। आप जब मेरा थंबनेल पढ़ते हो तो उसमें टाइटल कितना अच्छे से बड़ा हुआ कैपिटल लेटर में बना हुआ लिखा हुआ होता है, तो टाइटल को टाइटल की तरह लिखना होता है, नॉर्मल नहीं लिखना होता है। जैसा आप आंसर लिख रहे हो वैसे ही टाइटल लिखोगे तो भी इम्प्रेशन खराब होता है ना। तो अपने को जहां जहां पॉसिबल है ना इंग्लिश में प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है, तो सबसे पहला अपन क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे। दूसरी चीज अपने को क्या याद रखनी है, समरी राइटिंग जो अपन बनाएंगे वो मैक्स टू मैक्स एकदम ज्यादा से ज्यादा 10 लाइन की होनी चाहिए, 10 लाइन्स की होनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल पैराग्राफ में लिखा गया होना चाहिए, ठीक है। आप समरी राइटिंग को 2 पैराग्राफ में डिवाइड करना किसी भी हालत में नहीं, एक ही पैराग्राफ में स्टार्ट टू एंड पूरा 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 कंटिन्यूएशन में लिखोगे, ठीक है। आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है तो ज्यादा लाइन ले लो, बट प्लीज आपका ऐसा मानो, पेज वाइज अगर मैं जाऊं, ऐसा मानो ये आपका आंसर शीट है, ठीक है, ये आपका आंसर शीट है। तो आपने यहाँ पे टाइटल डाले बीच में अच्छे से, और फिर आपने जो यहाँ से लिखना स्टार्ट करे, धनाधन धनाधन धनाधन, कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए। एक भी पैराग्राफ को आप क्या करोगे, डबल नहीं करोगे, ठीक है। तो आना पूरा पेज मत भर देना, बस मैं इतना बोलूंगी, आधे से थोड़ा सा ज्यादा हुआ चल जाएगा अगर हैंडराइटिंग बड़ी है। अगर हैंडराइटिंग आपकी एवरेज है, छोटी है, तो भाई आधे पेज में समाप्त हो जाना चाहिए आपका समरी राइटिंग, क्योंकि ये ही समरी की क्या है, पहचान है उसकी, उससे पहचान छीनना नहीं। पूरा अनसीन पैसेज कॉपी पेस्ट मत कर देना, तो फिर कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं। समझ में आ रही है बात? तो इतनी चीज आप पहले ध्यान में रखोगे, फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे मैं टाइटल क्या दूं। तो देखो आपको ना थोड़ी चीजें याद रखनी है, आपको ना एग्जाम में 3-4 टाइप के पैराग्राफ आ सकते हैं। पहला पैराग्राफ तो ऐसा होगा, वो क्या करेगा, वो कोई चीज की ना इंपॉर्टेंस बता रहा होगा, है ना। जैसे कि हमने सैंपल पेपर में देखो स्विमिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, स्विमिंग वाला, तो उसका इंपॉर्टेंस बता रहा था। तो आप क्या कर देने का, बस सिंपल सा लिख देने का, इंपॉर्टेंस ऑफ स्विमिंग, है ना। तो अगर कोई भी पैराग्राफ ऐसा है जिसकी हेडलाइन मतलब जो पूरा थीम है वो कोई चीज का फायदा बता रहा है, कोई चीज का काम की है वो चीज, तो अपन क्या बस लिख देंगे, ऐसा लिख देने का इंपॉर्टेंस ऑफ और वो चीज का नाम। जैसे कि यूरिया है ना, यूरिया का इधर पे आया है सैंपल पेपर में, स्विमिंग का आया है, और भी बहुत सारी चीजों का, ब्लड डोनेशन का। तो अपन लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ, ज्यादा सोचने का नहीं, ऐसा नहीं कह रहे भाई क्या टाइटल लिखूं क्या टाइटल लिखूं, नहीं,
वो सिंपल सा भी टाइटल होगा और आपके थीम के साथ मैच हो रहा है तो आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। ज्यादा सोचना नहीं है इधर पे आपको बैठ के, ठीक है? सोचने बैठोगे ना फिर हो जाएगा, राइटिंग स्किल नॉवल छूट जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अगर कोई भी इंपॉर्टेंस बता रहा है, ठीक है, पैराग्राफ है, तो अपन क्या लिख देंगे, इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ यूरिया, ये वो, ठीक है। अगर कोई चीज का हार्मफुलनेस बता रहा है, जैसे कि हैजेडियस इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन पॉपुलेशन, ये वो, तो अपन क्या लिख देंगे इधर पे, हैजेडियस, हैजेडियस इफेक्ट्स, ठीक है, हैजेडियस इफेक्ट्स डाल देंगे और आपकी जो भी हेडलाइन होगी वो लिख देंगे। तो समझ रहे हो, कोई भी चीज का इंपॉर्टेंस हुआ तो इंपॉर्टेंस लिखने का, इंपॉर्टेंस ऑफ जो भी है सीन में वो आ जाएगा। अगर कोई चीज की बुराई कर रहा है, पैराग्राफ में कोई चीज की बुराई हो रही है, तो अपन क्या लिख देंगे, हैजेडियस इफेक्ट और यहाँ पे या तो डिसएडवांटेज और, ठीक है। अगर आपको पैराग्राफ खुद समझ में आ गया है, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, आप खुद टाइटल बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीज आपको एकदम अच्छे से पहले तो ध्यान में रखनी है कि टाइटल अपने को कैसे बनाना है। ज्यादा इतना इतना भी ओवर करके सोचना नहीं है कि मेरे को क्या है क्या नहीं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ना अपना पहला क्वेश्चन क्या है, यूरिया। तो अपन क्या करेंगे, पहले अनसीन पैसेज के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे ना तो आइडिया मिल जाते कि किस बारे में। तो अभी अपने पास क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे लाई हूँ। देखो, यूरिया इज अ मेजर प्रोडक्ट नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म मेनली यूरिया बॉडी स्लचेस, ओके ओके, यूरिया यूरिया। तो यूरिया के बारे में बहुत यहाँ पे इनको बातें की जा रही है, तो अपन यहाँ पे इसकी हेडलाइन जो है इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया देंगे ना तो भी अपने को उतना ही मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया, ज्यादा इतना ओवर करने की जरूरत नहीं है, ब्रेक थ्रू इन द एस्टिमेशन ऑफ, हाँ हो गया, चलो ये डाइजेस्ट वाले लोग ने किए ना, इसलिए यहाँ पे आया है इतना बड़ा। अपन क्या लिख देंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया, एकदम मस्ट टाइटल कैपिटल बोल्ड लेटर में और कुछ नहीं, ठीक है। अब बात आएगी क्या, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में समरी राइटिंग के पॉइंट्स दिए गए होंगे, जो पॉइंट्स दिया गया है बस उसको एलोबरेट करना है। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पैराग्राफ आपको समझा ही नहीं, कुछ भी नहीं आया ना, तो क्या करना, ऐसा देखो इधर पे आपको पॉइंट्स दिए गए थे, तीन चार पॉइंट दिए गए होंगे, तो आपको क्या करना है, पहला पॉइंट ढूंढना है, रिसर्च बाय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रिसर्च बाय ऑर्गेनाइजेशन ढूंढोगे, रिसर्च बाय ऑर्गेनाइजेशन, मिल जा भाई मिल जा, रिसर्च रिसर्च बाय ऑर्गेनाइजेशन, कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिलने की कोशिश करने का, ठीक है। कहाँ है भाई साहब, देखो, कलेक्टिंग सलाइवा इज नॉन एंड रिसर्च है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करनी है। तो अपन क्या कर देंगे, जो पॉइंट वो लोग ने कवर करने बोले हैं सिर्फ उतना ही लिखेंगे, क्योंकि पूरा लिखने बैठ गए तो फिर हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे, है ना। तो इसने क्या दिया अपने को, इसने अपने को पहला पॉइंट क्या दिया था, रिसर्च बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो अपन ने अपने आंसर की शुरुआत कहां से करे, कलेक्टिंग सलाइवा इज नॉन एक्सक्लूसिव करके पूरा यहां से एक पॉइंट लिख दिए, ठीक है। और कुछ है रिसर्च के बारे में, हाँ रिसेंटली साइंटिस्ट, ठीक है, यहाँ ये ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या है, मेथड्स अडॉप्टेड, फिर अपन देखेंगे मेथड्स अडॉप्टेड कहीं है टू फैब्रिक, मेथड्स अडॉप्टेड द साइंस, यहाँ पे देखो नीचे में, यहाँ पे आ गई ना, मैं गायब होती हूँ थोड़ी देर के लिए, इधर पे आपको दिख रहा है, द साइंटिस्ट यूज द स्लोप मेथड सेंसर, यहां से लेके पूरा डिफरेंट सेंसर, ये पूरा कॉपी पेस्ट अपन कर देंगे लाइट तक। तो दो पॉइंट अपने को मिल गए, लेकिन कंटिन्यूएशन में जाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, रीजन फॉर रिसर्च, रीजन फॉर रिसर्च जी किधर है, रीजन का रिसर्च, यही वाला रहेगा। तो यानी थर्ड पॉइंट अपना इधर से कहीं से आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एडवांटेज, क्या एडवांटेज है इसके, सेव्स टाइम कॉस्ट स्पेंट ऑन बल्कि यहां से लेके पूरा, ठीक है, पॉपुलेशन के लिए लार्ज, ये मास स्क्रीनिंग हेल्प। तो समझ गया, तो इतने बड़े पैराग्राफ को जो मैंने अंडरलाइन करी हूँ बस उतना ही लिखेगी, और जहां जहां पॉसिबिलिटी हो रही है कि आप उसको शॉर्ट कर पाओ तो शॉर्ट भी कर देना, कुछ आपको ऐसा लग रहा है आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कट करनी है तो आप कट भी कर सकते हो, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। मतलब फॉर्मेट याद रखो यार, हेडलाइन डालना है, एक ही पैराग्राफ में लिखना है, जो भी पॉइंट उसने दिया है वो पॉइंट को पैराग्राफ से ढूंढो, कॉपी पेस्ट करो और पूरा का पूरा क्या करो, एक पैराग्राफ में खत्म करके आ जाओ बस, ठीक है। और हाँ बस एक चीज और याद रखना, जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है वो सब आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है, ठीक है। मान लो अगर ये वाली बात ना ब्रैकेट में लिखी होती, इंस्टेड ऑफ ये सब ब्रैकेट में होता ना, तो अपन इसको आंसर में नहीं लिखते, ब्रैकेट वाली चीज स्किप कर देने का। और कोई भी चीज जो अपनी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ना, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा की तरह एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करने का, उसको ना थर्ड पर्सन बन के लिखने का, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन के, ओके।
या तो डायरेक्ट स्किप ही कर देना, छोड़ ही देना उसको। समझ में आया? पॉइंट्स हमेशा, यस यस कंपल्सरीली आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे। आज तक इतने साल से बोर्ड एग्जाम हो रहा है, हर साल आपको पॉइंट्स आता है, देख लो इतने सारे क्वेश्चन है, सब पिछले साल के क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे ना कैमोफ्लॉजिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया था, तो हम क्या इंपॉर्टेंस दे देंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कैमोफ्लॉजिंग। ज्यादा सोचो मतलब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये सब अप्लाई करो, इंपॉर्टेंस ऑफ कैमोफ्लॉजिंग। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका फॉर्मेट करेक्ट है, आप हेडलाइन दे रहे हो प्रॉपर, सब सीक्वेंस के साथ जा रहे हो, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अभी कुछ 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 पैराग्राफ आपके ऐसे आएंगे जहां पे ना आपको कोई एक इंसान के लाइफ के बारे में बता रहा होगा, जैसे आप इधर पे कल्पना चावला के बारे में बताया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के बारे में आया गया होगा, ठीक है, स्टीव जॉब्स के बारे में। तो ये लोग सब बहुत लीजेंड है, बहुत अच्छे है, तो आप क्या कर दोगे, बस ऐसा लिख देने का द ग्रेट डॉट ऐसा कोलन और एपीजे अब्दुल कलाम, क्या हेडलाइन डाल देने का। द ग्रेट, ग्रेट लिख दिए, ऐसा दो डॉट डाल दिए और उनका नाम लिख दिए, मतलब जिस कोई भी इंसान की लाइफ के ऊपर अगर आपको पैसेज आ गया है तो आप क्या लिख दो, और वो इंसान अच्छा है, मतलब उसने अपने लाइफ में सक्सेस पाया है, कुछ अच्छा किया है, तो बस क्या लिख देना, द ग्रेट कॉमा दो डॉट डाल देना और उस इंसान का नाम डाल देना। ठीक है, द ग्रेट कल्पना चावला, द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम, द ग्रेट स्टीव जॉब, ऐसा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे लीजेंड लिख दोगे तो भी और अच्छा हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा ना अपना थोड़ा सा आउट ऑफ द बुकिश लैंग्वेज होगा, बट चल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहाँ पे देखो, ऑयल, ऑयल इज वन ऑफ द मेजर सोर्स मिनरल ऑयल, तो यहाँ पे मिनरल ऑयल, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल ऑयल, बस। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी बातें। अभी ये वाला जो पीडीएफ है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन में आपको पॉइंट मिले गए, मतलब पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर में ना हर साल पॉइंट्स आपको दिया गया होता है, बस वही पॉइंट को अपने को पैसेज में से ढूंढना है और अपने आंसर में लिखना है। याद रखना, जो पॉइंट नहीं दिया गया है और वो पॉइंट भी अगर आप लिखते हो तो आप अपने आंसर को बड़ा कर दोगे, और बड़ा कर दिए तो आपने समरी राइटिंग का फॉर्मेट में छेड़छाड़ हो गई। ठीक है, तो बस इतना ही है, और कुछ टफ नहीं है, इसको टफ बनाना भी नहीं है, 3 मार्क्स का है बस। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आई? देखो यहाँ पे पानी के बारे में है, मोस्ट ऑफ द वॉट इन ऑयल, तो यहाँ पे हाँ, अब कोई टॉपिक आपकी ऐसी आई, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक ऐसी आई जैसे मान लो वॉटर, ठीक है, अब वॉटर जो है वो खत्म हो रहा है ना, या तो फिर कोई अच्छी चीज, कोई भी अच्छी चीज खत्म हो रही है, उसके इफेक्ट्स के बारे में बातें की गई है, तो उस वक्त अपन क्या टाइटल देंगे, उस वक्त अपन दे देने का, एक मिनट, उस वक्त अपन क्या दे देंगे, अरे यार अब भी मेरे दिमाग में आया तो मैं अचानक भूल गई, क्या हो गया आप लोगों को, क्या हो गया भाई, वुमेन वुमेन क्यों लिख रहे हो अचानक, ब्लॉक करूं क्या, शांति मिलेगी फिर, हाँ क्या हो गया यार, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखने, समझा नहीं, अरे मतलब ना, रुक जाओ, देखो जैसे कि कोई भी आपका पैराग्राफ आया है और उसके अंदर कोई भी एक ऐसा सेंटेंस है जो ब्रैकेट के अंदर, अभी देखो कोई मुझे मिल नहीं रहा है, कहीं पे कुछ ऑप्शन है क्या, हाँ ये देखो, जैसे कि इधर पे आपको दिख रहा है ये वर्ड ग्लोबल कैसे ब्रैकेट में डाला हुआ है, तो आप जब आंसर देखो, ये वाला भी, ये वाला वर्ड देखो, विदाउट हैविंग रेड पेन, देखो मेरी विदाउट हैविंग से लेकर पूरा का पूरा ऑल ऑफ अस, ये ब्रैकेट में है ना, तो ये वाला पॉइंट आप अपने आंसर में, ब्रैकेट वाली चीजें आप अपने आंसर में नहीं डालोगे, क्योंकि ब्रैकेट वाली चीजें क्या होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, और समरी राइटिंग मतलब क्या कि हम अपने आंसर में सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे। आपका दोस्त 3 घंटे की मूवी देखकर आया है, आप बोले कि भाई 3 मिनट में बता, तो उस मूवी के सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताएगा, फालतू फालतू एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें काट के छोड़ के बताएगा, तो अपने को क्या करना है, अपने पैराग्राफ में से जो भी चीजें ब्रैकेट के अंदर है वो सब स्किप करनी है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। चलिए जी, तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। समरी राइटिंग बहुत आसान है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और क्या था यार वो वाटर, हाँ डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन वर्ड याद रखो, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर,
इस पे भी आ सकते हैं, या डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, डिग्रेडेशन ऑफ एयर, मतलब ये सारी अच्छी चीज है, पानी, ऑयल, एयर, रिवर, और ये सारी चीजें क्या हो रही है आज के टाइम में, खराब हो रही है। और इसके क्या खराब हो रही है, क्यों खराब हो रही है, किधर खराब हो रही है, इसके ऊपर आपका पूरा पैसेज है। तो आप हेडलाइन क्या दोगे, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर, सॉइल, जो भी आपका हेड, जो भी टॉपिक होगा सीन अनसीन पैसेज में वो लिख देने का। ठीक है, तो समझ में आ गई होगी बात। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। अभी नेक्स्ट सेशन क्या होगा, देखने वाली बात होगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेशन 5 मिनट में होने वाला है, उसमें ना मैं 2-3 बच्चों के कुछ डाउट्स थे वो सॉल्व करने वाली हूँ, ताकि अगर आपके भी सेम डाउट है तो वो भी क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। हाँ, अब द ग्रेट के अलावा ना आप ये वाला भी टाइटल ले सकते हो, मैन विथ विजन। क्योंकि कोई एक इंसान सक्सेसफुल तभी हो पाता है जब वो दूर की सोचता है, और दूर की सोचने वाले को अपन क्या बोलते हैं, विजन रखने वाला इंसान। ठीक है, तो ऐसा मान लो आप ऐसा लिख सकते हो, मैन विथ विजन, एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर आ गया ना, तो आप क्या लिख देने का, द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम, ये लिखो, या तो लिख दो मैन विथ विजन ऐसा, और फिर दो लाइन, दो डॉट मार के एपीजे अब्दुल कलाम। समझ में आई बात, समझ में आई। मेरे 300 बच्चे यार सुबह 5 बजे पढ़ रहे, पता चल रहा है ना यार, शफक मैम के बच्चे हो, क्या बात है, ग्रेट। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी है ना, नेक्स्ट सेशन में ना 2-3 बच्चों के कुछ डाउट्स है, बहुत सारे मतलब मेरे को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डाउट्स लगे, वो डाउट्स मैं उन लोग के सॉल्व करने वाली हूँ। तो अगर आपके वो भी सेम डाउट है तो आ जाओ। ठीक है, तो कुछ भी डाउट है समर राइटिंग से रिलेटेड एडिशनल, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो, मैं आपके सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, मेरे से जितना हो पाया मैं उतना आपको वीडियो में बता। बाय 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 बाय। हाँ, अगर आपको अनसीन पैसे अच्छे से समझ में आ गया है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं, आप तो खुद ही बना दोगे, है ना। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ये सारी टेक्निक्स अपनाना है। ओके, बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब, फ्रेंड के साथ शेयर कर दो भाई। इंपॉर्टेंट नॉवल पे वीडियो आएगा, डोंट